जय जिनेंद्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी गुरुनी मैया श्री सुधा जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी मधुरभाषिनी महासाध्वी श्री श्रुति जी महाराज जी के आज हम नतमस्तक होने आए हैं। वो लुधियाना में विराजमान है और उनका चतुर्मास 2022 का बंगा में होने जा रहा है। आज हम उनकी मुखारविंदु से उनसे पूछते हैं और वो बताएंगे भी सारी जैन समाज को कि उनके चतुर्मास में क्या क्या होने वाला है और कब वहाँ पहुँचेंगे और कब शुरू होगा। आज हमारे भाई आत्मा चैनल से राजेश जी, भाई विकास जी, भाई साहिल, मेरे तीनों बच्चे आज गुरु चरणों के अंदर एक सुंदर भाव लेकर के गुरु वंदन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए आए हैं। और आज चतुर्मास 2022 का गुरुनी जी महाराज आप कहाँ करने जा रहे हैं, तो आज उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज, उत्तर भारत प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञा के अनुसार चतुर्मास इस बार 2022 का उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञानुसार 2022 का चतुर्मास सुखे समाधे बंगा नगर, उसकी बंगा जो कि हमारे नवांशहर के बिल्कुल पास, जालंधर नवांशहर और लुधियाना के बिल्कुल निकटवर्ती स्थान बंगा के अंदर होने जा रहा है। आप सबको सादर आमंत्रण। और आने वाली 30 जून को लगभग सुबह 8:15 से 8 बजे प्रवेश होगा। मैं पूरे लुधियाना वासियों को, पूरे नगर वासियों को और हमारे भाई सिरचंद जी के परिवार को, हमारी बहन बैठी है सीमा जी जो कि हमारे अनिल जी निटवियर परिवार है, हमारे बाबू सिरचंद जी, अशोक जी और हमारे राजीव जी, और भी हमारे भाई संचित जी, संदीप पटियाला से हमारे बीच पहुंचे हैं, और भी हमारे भाई दूर दूर से आज गुरु चरणों में आए हुए हैं। और पीयूष मुनि जी महाराज साहब के पावन दर्शनों का सौभाग्य मिला, श्री मीना जी महाराज के भी पावन दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। तो आप ऐसे पावन अवसर पर आज हमारे भाई के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, भाई मिंटू जी के, संचित जी और उसके भाई हमारे गिन्नी जी के निवास स्थान पर। और आज आत्मा चैनल की तरफ से जब ये भाई आए तो मैं पूरे आज लुधियाना वासियों को मैं आमंत्रण करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु गुरु दर्शन प्रवचन का लाभ लें। और सबको आमंत्रण मैं अपनी तरफ से दूंगी, संघ का आमंत्रण तो आपको मिलेगा। 30 जून को आप सुखे समाधि जरूर पहुँचे। चतुर्मास किसे कहते हैं, चतुर्मास की क्या महिमा है, वो गुरु भगवंत कृपा से आप सबको बताने जा रही हूँ। चतुर्मास का मतलब है चार मास सावन भादो आसोज और कत्तक के महीने में, ये बरसात का समय है। भगवान ने कहा जीव जंतु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और जीव जंतु ज़्यादा पैदा होने से उनकी हिंसा होती है, वो मर जाते हैं। और जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान धर्म है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर का ये बुलंद एक ऐसा सुंदर नारा जो पूरी दुनिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। एक तरफ परमाणु बमों की आग लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, और यहाँ तक कि धरती आकाश के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भी एक ऐसी होड़ कि मुझे आगे बढ़ना है। महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, धन की दौड़ में हमारी बहुत सी महाशक्तियाँ आगे बढ़ रही हैं, मानव जाति का विनाश कर रही हैं, पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। और जैन धर्म हमेशा कहता है, गुरु भगवंत आचार्य भगवंत और इसके साथ ही साथ हमारे अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, श्री ऋषभदेव भगवान और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैसी महान आत्माओं ने एक संदेश दिया, अरे जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो। तो छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होंगे, आप पैदल चलोगे, आप जितना ज़्यादा आपको एक स्थान पर आप रुके उनकी दया पालें और ये जीव जंतु मरे नहीं, इसलिए आप एक स्थान पर भगवत भक्ति करें, श्रद्धा करें और ध्यान योग साधना तप संयम में अपनी आत्मा को लगाएं, रतन त्रय की आराधना में आप आगे बढ़ें। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के साधना करते एक ना एक दिन आप 8 कर्म को खत्म करके सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करें।
ऐसा ये मेरा शब्द नहीं, ये भगवान महावीर का संदेश है और भगवान महावीर का ही ये एक उद्घोष है और उसी उद्घोष को, उसी भावना को, उसी प्रसंग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए चतुर्मास हेतु हम कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप, और अभी शिवपुरी होते हुए, सुंदर नगर होते हुए, उसके बाद जलंधर बाईपास होते हुए बंगिया के अंदर तकरीबन हम 30 तारीख को प्रवेश करेंगे। आप सबको सादर आमंत्रण। बोल भगवान महावीर स्वामी। आपने महासाधु जी श्री श्रुति महाराज जी के प्रवचन सुने, उन्होंने आप सबको आमंत्रित किया और हम भी आत्मा चैनल की तरफ से आप सबको आमंत्रित देते हैं। 30 जून को बंगा में पहुंचे और 13 जुलाई से जो चतुर्मास शुरू होने वाला है उसमें आप महासाधु श्री श्रुति महाराज जी के प्रवचन सुनकर लाभ लें और अपना जीवन सफल बनाएं। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल लुधियाना।